नाज़रीन प्रोग्राम व्यूज़ टाइम में भलीकार आवां मेज़बान जुनैद अंसारी। नाज़रीन वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में अहम दौरो किया है। कराची गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातू कई। सब का वही खबर यह है तो सिंध जो अगूणो वो वज़ीर ए नून लीग अगवान घोस अली शाह पीटीआई में शामिल थी वो है। उन अलावा सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबरा सईद जलाल महमूद शाह वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात कई है। उन अलावा बैरिस्टर मुस्तफ़ा महेसर सैयद जफर अली शाह भी पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कई है। उन सा गड़ो गड़ कुछ यो जाहिर कर पर्यन तो कुछ अहम बी मुलाकातू थियणी हैं। हाँ केर बो पीटीआई में शामिल थो इन मौजू से गलो उन पीटीआई सिंध में को सरप्राइज दई सी इन ही मौजू से गल वक्त असें पैलेस की टीम जॉइन किया जैमें शामिल है नसीर मेमन साहब इनाम भट्टी साहब इजहार सुंदो साहब ए अमर सिंधु साहब सब का पे हलूँ था। इनाम भट्टी साहब तक बुधी रहो इनाम भट्टी साहब तक बुधी रहो इनाम भट्टी साहब तक मुझे आवाज अचे पे इनाम भट्टी साहब हलूँ था नसीर साहब दे एक भेरों बीहर छाकाण तो वज़ीर आज़म साहब अहम मुलाकातू क्यों यो तवक्का जाहिर पे कई वे तो शायद को वो सरप्राइज मिली सके तो वज़ीर आज़म साहब अच्छे का जी दावा क्यों अरबाब गुलाम रहीम साहब दावा कई अड़ी तो शायद सिंध में हाँ नई सर तंजीम साजी कंदी उन्होंने पैर भी कुछ कोशिश क्यों सिंध अहम पॉलिटिकल फैमिली से राबता क्या तो उ पीटीआई में शामिल थियन तो जी पीटीआई के घट में घट सिंध के बेन जिलों में एक मजबूत सेटअप फराम कर सकते हलूँ था। नसीर मेमन साहब दे नसीर साहब तुम बुधी रहा मुझे नसीर मेमन साहब नसीर मेमन साहब तुम बुधी रहा हो प्रोडक्शन टीम के चवस तो नसीर साहब से राबो कन पे हलूँ इनाम भट्टी साहब इनाम साहब तहे ख्याल में जो अज वज़ीर आज़म साहब कराची में मुलाकातू क्यों खास तौर पर घोस अली शाह साहब तो शामिल थी वो है जिन उन गड़ो गड सर जलाल शाह मुलाकात कई है वज़ीर आज़म साहब से तहे ख्याल में पीटीआई को सरप्राइज दी सिंध में इनाम भट्टी साहब नाज़रीन इतने एक नंढो ब्रेक था वो ब्रेक का पे बीहर जी अस पैलेस टीम में जो अस नसीर साहब इनाम भट्टी साहब जॉइन कर एक भेर बीहर प्रोग्राम के कंटिन्यू कंदी पर इतने वो एक नंढो ब्रेक नाज़रीन प्रोग्राम में एक भेर बीहर भलीकार हलूँ था इनाम भट्टी साहब इनाम भट्टी साहब जो मु सवाल पे किया तो वज़ीर आज़म साहब जो कराची में आयो है घोस अली शाह साहब की शमूलियत सैयद जलाल शाह से मुलाकात उन इम्कान जाहिर किया शायद के बी का बी भी शमूलियत थी सके थी तो पीटीआई सिंध में को सरप्राइज देने के मूड में आए छा जुनैद तक याद होंद काफ़ी टाइम अग का वी पीटीआई के नए सिरे से जैसे सिंध में कोई स्पेस मिलन भी तो उनमें घने भांगे कोशिश कदा नैशनल असेंबली जो सीटू जन उन्होंने कुछ तादाद वी पे वो बिलखसूस कराची का बहर बाकी सिंध जहाँ जिला उन्होंने किन हंधन से अड़ी ट्राई कदा एंड फिलहाल तो हिंसर नजर नो अचे तो को पीपुल्स पार्टी के मुकम्मिल तरह से एस्टेब्लिशमेंट भित से लगने की कोशिश कंदी हुए पर जो नजर पे अचे तो इंदड़ वक्त में वरी वफाकी हुकूमत के लिए माहौल पीटीआई साजगार तदें थी सके तो जैसे सिंध में उनके काउंटर में कुछ नैशनल असेंबली सीटू मिली सकन जी सूरत पंजाब की जुड़ी आ पंजाब की सूरत में मुमकिन ही को लगे हाँ तो पीटीआई के इन किस्म जो टर्न आउट मिले जो माजी में उनके मिलो हिंसर एक सेंट्रल पंजाब ए बिलखसूस लाहौर वो मुकम्मिल तरह से नून लीग इन खसे वी ए साउथ पंजाब वो जो एरिया है उनमें खुद पीपुल्स पार्टी नए सिरे से जै तरीके से वही आई भी उत उम्मीद है तो सीटू उन्होंने कुछ मिली सकन थी बो पीटीआई के जे आज़ाद उम्मीदवार तौर पर जिता उन्होंने कुछ जॉइन किया सब वापस वरी कें बन दरन दाँ वजाइंदा तेज कर सिराइकी बेल्ट में जो उनकी खोट है उनके पूरे करण के लिए सिंध में कोशिश कंदा पर जैसे वह सिंध वाली खोट इनकी पूरी नी थे तो मुमकिन है तो सूरत का वफाकी हुकूमत की बी जुड़ी वे तो हिंसर सरप्राइज दियण का वधिक जड़ो कि ये समझो तो पीटीआई के एक यो टास्क मिलो आजी सरसी देखारे सकन था सिंध के अंदर को अड़ो माहौल जोड़े सकन था जैमें उनके आसरो उम्मीद थे तो तदें उनके उम्मीद यहाँ मिली सकती इंदड़ हुकूमत की न तो मुमकिन नो लगे यो ही सबब है जो हिंसर जो कॉम्परसन दा वरी बीहर इकतदार में अचान का रबो करण की कोशिश कई हुई है
जैमें साईं जलाल महमूद शाह से जी अज मुलाकात थी उन अग में गवर्नर जो है सो मिली वो तो उनमें भी बिलखुसूस ये शूं पर उनमें सागर शूँ जो नजर अचन थी वो यो है सिंध जहाँ तहफात हैं उ वफाकी हुकूमत जै किस्म जहाँ कदम खणे थी उड़ा जिनके हमेशा सिंध जो मानू ए सिंध जो कॉम्परस धुर कबूल न कद तेने कर पीटीआई जैसे इन किस्म के पे वोड से कायम रही तो वह सिंध के जमीन से बेटन से रिथाउन जहाँ पाँचा मनसूबा खड़ी अची कब्जे करण की ख्वाहिश रखी हो इन सूरत हाल में उनके या मुश्किल पैदा थी तेने कर या तो वो पासो जो है सो इन इन लिहाज का जो है दुरुस्त कन या वो सिर्फ इन किस्म जहाँ जो इतिहादी उल्न जिन जो इन शंसर्न न हो जफर अली शाह की भी शमूलियत थी पीटीआई में यो भी खबर आई पे तो जफर शाह भी जो शामिल ये बई सीनियर जका सियासी जेंट्री आका चेज तो पीपल्स पार्टी में भी है नून लीग में भी है उन्होंने कें हद तक असरअंदाज थी सकता बिलखुसूस सीनियर सियासी जेंट्री जका पीपल्स पार्टी के अंदर मायूस थी वेठी आका कोई फैसलो नी कर सके उन्होंने एन मुमकिन है तो जफर अली शाह गौस अली शाह मोटिवेट करे पीटीआई ना खड़ी वन जेंट्री सब उहा है जका पंजो वोट बैंक रखे थी असर रसूख भी रखे थी जो जिन इन इन किस्म पर वह जेंट्री जका होंगी उनके हमेशा इन शे की जरूरत होंगी तो उनके यकीन दहानी कराई वे तो इकतदार कंखे मिलन इन में आउं तक बुधा मिसाल मेहराबपुर वा तक शाह साहब आन उन्होंने जो भी इं सके तो इवन मेहराबपुर हि ओरी जी माना मथी जी भी ओरी भी मीरपुर खास मां भी सके तो का शी वे तब्दीली तो अड़े किस्म की जो सूरत हाल आ फायदेमंद कें कदर मीरपुर खास में किथे तां इशारो सईद अली नवाज शाह दे त ना है बिल्कुल सही बिल्कुल मुझ सईद अली नवाज शाह ना इशारो आए ओ दा जो है सो मुराद अली शाह कंडियारे वाला जके उन मतान जो ख्याल आए त जकने को फ्यूचर में को सेटअप ठई सके तो पक्की को पक्को को आसर हो जे त ये धुरियो मूव थी सगन थी पीटीआई दा इजार सुमर सा तां जो छा ख्याल आए ही जको गौस अली शाह साहब सईद जफर अली शाह तमाम ब वा नाला सिंध के पॉलिटिक्स जहाँ अज पीटीआई में शमूलियत अख्तियार कई है तहज ख्याल में पीटीआई सिंध में को सरप्राइज दई सके थी जैसे भी कराची आयो है या सिंध के कें शहर में वो है तो उनको इंप्रेशन सिंध के हवाले से या सिंध के इशूज के हवाले से काफ़ी नेगेटिव रो गुफ्तगु जो अंदाज भी सिंध के मानुन के जज्बात एहसास के उबतड़ रो पर भेरे जैसे वो आयो तो लगे तो कुछ कंपोज्ड है मिसाली तौर पर उनकी गुफ्तगु में जो पैं चवे रो सिंध वाले आ के कराची में ये करते हैं इन किस्म की गुफ्तगु कासी में अज उन अड़ी गुफ्तगु को कई है बो उन सिंध के मानुन के तारीखी एहतजाज ए जदोजहद जो सीधी अणसिधी रीत एतराफ किया तो बेटन के हवा से सिंध जहाँ मानू नाराज हैं हुकूम वफाक के फैसलन से इकड़ी उनकी इखलाकी तौर ये खड़ी समझो तो सिंधी मानू की फतह है इमरान खान है उनकी पार्टी की शिकस्त है उन सा गडो गड पीपुल्स पार्टी की सिंध में जो हुकूमत है उन मफाहमती अंदाज अख्तियार कर इशारो उन गडो गड इन गाल में दिलचस्पी दिखारी है तो रुगो कराची में न बल्कि सजी सिंध में जैसे के मानू पीपुल्स पार्टी जहाँ मुखालिफ आन पीटीआई में अच्छा चाहन था तो उन्होंने ला उन स्पेस क्रिएट किया या एक्सेप्ट किया इनके तुम गौस अली शाह की शमूलियत के तुम हरगिज न समझो सियासतदान एक बे जहाँ इशारा एक बे जहाँ स्टेप्स फॉलो कह गौस अली शाह के इन स्टेप के बया केतरा ही मूँ जो इनाम साहब भी फॉलो कर अदरवाइज भी जैसे खैरपुर में असल में बिन सीनियर बिन जूनन जो मुकाबलो हों घे भांगे उन्होंने जूनों समझो पीटीआई में हलो वो पीपुल्स पार्टी में है सो यह सूरत हाल यकीन साईं कायम अली शाह साईं गौस अली शाह जी सर जी उन्हें जिक्र करें पो ही एक कॉम्पिटिशन वाली सूरत हाल उत पीटीआई उत बेहतर पोजिशन में अची सके ओवरऑल समझा तो पीपुल्स पार्टी के खबर ना है असद उमर गाल समझाई आ या कें गाल समझाई आ तो इमरान खान के इन बेजे कें हद तीन सिंध की जो मारूजी सूरत हाल आज थोड़ो घो इदराक महसूस थे तो पा तनकीद भरा तनकीद या कायल ना जैसे पीटीआई
पॉलिटिकल एक्सरसाइज में अचे थी ए सिंध में एकड़ी मजबूत अपोजिशन तौर पीपल्स पार्टी के सामू अचे थी तो सिंध जहाँ मानू इन मोर देन वेलकम कहकर पीपल्स पार्टी की जी एक करी लगातार हुकूमत है उन जे अंदाज में सिंध के बुनियादी इशूज से कंप्रोमाइज़ क्या जे अंदाज में सिंधी मानून सा इवन खी चेज तो डिच किया कई शेयन में जैमें बेरिया जो वाक्य है खुद बेटन जो मामलो है तो इन समूर मामलों का सिंध जहाँ मानू बिल्कुल अल्टरनेट नैरेटिव ना ऐसी रहा कल कुछ मूसा पीपल्स पार्टी जहाँ काफ़ी हमदर्दी रखड़ कारकुन कुछ मानू मिलया तो उन आई गाल हुई खुद पार्टी जहाँ मानू हुआ पर वो भी चवन पाया तो अल्टरनेट नैरेटिव आ ही को नतीजे में पीपल्स पार्टी भी समझे थी तो वह कें किस्म की तनकीद के भी एक्सेप्ट नी कर नई पैं अंदर का बेहतरी घनी आन चाहे जी जी समझा तो ये मुकाबलो बिन्हीं पासे होदा जी मेहताब अकबर राष्ट्री ए बेन ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के तो हि एक बे जो हाँ विकेटू कहरा साल डेढ़ यो सिलसिलो हलो मुख्य ये लगे तो अल्टिमेटली इंदड़ इलेक्शन ती पीटीआई ए पीपल्स पार्टी वर्सिस मुकाबलो हों जी पेरे भेरे थो तो जीडीए भी विच में हुई हाँ जीडीए लगे तो सीन का आउटी छ लाड़काने जहाँ अब्बासी भी इमरान खान से मिलया ही गौसली शाह की भी एंट्री थी है अड़े तरीके से मुख्तलिफ मू अरबाब रहीम भी उन्होंने गद है भली कंखे कड़ा मू वा होजन या न वणंदा होजन हि तो बेसिकली सियासत ए सियासत जो मैदान है उनमें एंड ऑफ द डे इलेक्शन वे ढी जैक वोट खया जुनेद साहब वो असेंबली में होंद उनो ही सो सिलसिलो हों तेरे पीपल्स पार्टी के भी ऐसा पवो इन सी डेवलपमेंट में जो साई जलाल महमूद शाह से मुलाकात थी इमरान खान की वह भी इनताई अहम है और जाती तौर यो समझा तो इमरान खान ए जलाल महमूद शाह समहाव फितरी इतादी भी है इतादिन फितरी गाल हूँ पर इन जो सिंध के ओवरऑल पॉलिटिक्स से वो इम्पैक्ट पवन वो है इमरान खान लगे ये तो रुगो सिंध के बेन पार्टी के जी नवाज लीग है या पीपल्स पार्टी है उनके मानून के टोड़ चाहे तो या पैं पास करना चाहे तो सजी सिंध में कुछ स्पेस क्रिएट करना चाहे तो पर सिंध के कौम परसन के भी मथे हथ रख चाहे तो उनके पास कर यह सूरत हाल पीपल्स पार्टी ला यकीनी तौर पर टफ टाइम होंद भले हिंसर इकतदार के फीलिंग्स में हुजन हु इनके कारी अहमियत न देंदा हुजन पर वक्त साबित कंदो तो ये जबरदस्त मुकाबले माहौल जुड़े नजर अची जी नसीर महमूद साहब तहां छता समझो ही जका अज एक्सरसाइज थी है गौसली शाह सैयद जफर अली शाह पीटीआई में वेहान बेन के वजण की उम्मीद है एक पा तो पे प्रोग्राम कर चुका हूँ पीटीआई तरफा मुसलसल एफर्ट थी रही सिंध में जो इलेक्टेबल क्लास आको जी डी ए में वेठो आ उनके शामिल कराए पीटीआई में तुम छा समझो पीटीआई सिंध में को सरप्राइज दियण वे पी या दई सके थी ही जके शमूलियतूँ आहन मुख्तलिफ़ शख्सियतों जो पीटीआई में ये उन्हें एफर्ट जो हिस्सो हैं जो अस लास्ट टाइम भी तो पीटीआई के जरूरत पैजी वही तो उन वट सिंध में सिंधी फेसिस हुजा जो उनते एक सीरियस चार्ज आ तो उन वट सजी पीटीआई जो सिंध में आज फ्रंट सीट से रुगो कराची जहाँ फेसिस नजर ना उनमें भी सिंधी गाल ना जेके सिंधी गालाइंदड़ बन उन्होंने कदम फ्रंट रोल मिलो को सिंध में एक्टिविस्ट उन्होंने फ्रंट रोल न मिलो जिनके वजारतू दिन अन उचुअली कुंडाएता होंदा कदाई से फॉर्म में जी तो इन पीटीआई पॉलिटिकली वो प्रेशर हो तो चाहे था तो सिंध में भी एग्जिस्ट कर था हाँ सिंधी फेसिस किथा फेसिस कड़ा एक सारा जो हुकूमत में वेठा वो हुकूमत जरा जो मूल पावर स्ट्रक्चर जो पार्ट आ तो सवलाई से को बेनिफिशरी हाँ केर वो वो जो अग्न पावर कॉरिडोर में वन की का ख्वाहिश या एफर्ट में हों एस्पिरेशन हों लॉजिकली ये मूल जो हिंसर पीटीआई में वही हाँ वसली शाह साहब पुराना पॉलिटिशियन है वो भी इकतदारी सी सियासत का हिस्सो रो पर एकड़ी गाल है तो उनके पुठियां वो क्लाउड को ये ना तो उनके पुठिया के वा बया पंजा सौ के वा पावरफुल मून या जो पगारो वगैरह तो उनके पोड़ो क्लाउड है कड़े हवाले से जी तो हि इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंडिविजुअली एफर्ट कह हों में तो सीट के हद तीन स्ट्रगल कर सो तो लेट सी तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वो तकाजा बिहन जी पेस की हद तीन नालो तो नो ना पर वो को वो सेटबैक या चैलेंज पार्टी को आने मीटर की को नजर
मैं तान ख्याल में को वडो चैलेंज ना हुंदो पीपल्स पार्टी ला ये जेके शमूलियत थी हो इन किस्म जी शख्सियत जे शामिल थन सा को एकदम वडो टर्न अराउंड कोन पियो थे हन ही त बिगनिंग आ ना अन्या आ गया टाइम आ जी बिल्कुल दिसो इमरान खान के पार्टी में हते हन उने किस्म जा मानु मिलदा जेके पास्ट में आइडेंटिफाइड आयन उने जेई खुद इमरान खान जे यानी बैकग्राउंड सा पॉलिटिक्स करे पियो उने सा अलाइंड आ भली खामोश रहया हो जन जीडीए में रहया हो जन प्राइमरीली वे मानु उने लाइन सा सोच सा या उने स्ट्रक्चर सा अलाइंड आयन अग में प्रया या हाने फॉर्मली शामिल पे थन जी आखरी काल माया कर जे काज इमरान खान दा जे के कमेंट्स हो उने में थोड़ो एक थी कि उने हन भेरे थोड़ी पॉजिटिविटी जी फील जणी जी काश जी उने के शुरू खा करे हां ए सिंसियरली करे ए सीरियसली करे हां सिंध के वाकई डेवलपमेंट लाए वफाक ए सिंध के जरूरत आए कर जणी पर को वफाक बिहेव करे ना वफाक मरकज बनजन जी जरे कोशिश करे तो प्रॉब्लम तरह था ये सजो साल है जी की हुकूमत सिंधी तमीन खा वटी सते एनएफसी ते जतरन मामले ते ए उन जी जका बोली जन जो इजहार भी जिक्र कयो जी जे करे मानु अफेंडेड है ना पीपल पार्टी के पसंद कन या न कन पर हु वफाक जे हन तरह जे रवैयन के भी एक्सेप्ट न था कन जी दिस उन के अते के दखनी हलन इज येट टू इज टू अर्ली माने ते को कंक्लूड न तो चाहे ता जो सोच बदल जी भई आप प्रोसेस थियो या सिंध जे बारे में पर मुके लगे तो हन के कितना न कितना सिंध के वाले सा के मानु गाइड कन था तो पंजो लहजो पंजो एटीट्यूड कला बदला जी अमर साहब ये जो शमूलियत थी इन जो केतरो इंपैक्ट पंदो पीटीआई को सरप्राइज दींदी जल्दी कंक्लूड कजो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पंजो जो है बेटन के मुतलिक उन ते पण कमेंट कर सको मां सच्ची गाल बुधाया तो जका असा खास तौर ते हेर जका का शमूलियत थी है उनके का घणी वडी अहमियत नथी दिया नई को पीपल्स पार्टी ला को सेटबैक दिसा थी हां अल्बता एकड़ी शय जका असा मां उन ते जका असा मुंजो तजियो उन मुतलिक हुंदो त मुखे मुस्तकबिल में जका असा नजर अचे थी जका जकडे तवा जको तजियो थियो आ तो उन जी जका असा सॉफ्ट जका असा रवैयो आ इन जो वजीर आजम जो खान साहब जो सिंध के हवाले से जो अगे मौकफ़ रख रो है खास तौर पर सबक सेखारण हर दफे हर दौरे से सिंध हुकूमत के सिंध के इन दफे शायद वो सबक सेखारण के मूड में कोने पर सबक सीखी आयो है वो सबक मुखे को सिंध की लेवल से का अड़ी शे नजर नी अचे अलबत्त एक गाल चई सकजे थी तो मथे सेंटर में इंदड़ वक्त में जेका कुछ सेटअप ठहंदो हुजे उन सेटअप में उन सेटअप लाइ ज़रूरी हुजे त पीपल्स पार्टी लाइ वज़ीर आज़म जो जेको रवैयो आहे उहो सॉफ्ट हुजे छा मुमकिन आहे त ईंदड़ जेका वक़्त में जेका तयारी थिए उन में नून लीग खे ॿाहिरि कढण जे लाइ पीपल उनखे तहरीक इंसाफ खे ज़रूरत पवे त उहा जेका जेका हिकिड़े ॿारहें खिलाड़ी जी हैसियत में पीपल्स पार्टी के कबूल करे वठे या पीपल्स पार्टी सा उन जी का अड़े किस्म जी जका सा सेटिंग थी सके तो मां नथी पे समझा ते ही सिंध जे जका सा पर्सपेक्टिव में ही जका जका उन जो रवैयो आ सिंध जे पर्सपेक्टिव में घट पर विफाक जी जका जिंदर सूरत हाल हुंदी उन जे हवाले सा एकड़ो ग्राउंड ठायो पे वने जिते जका सा एकड़ो सॉफ्ट इमेज जका सा क्रिएट कयो पे वने वो सॉफ्ट इमेज सिंध लाइ भी आहे वो सॉफ्ट इमेज पीपल्स पार्टी लाइ भी आहे वो सॉफ्ट इमेज ये आए तो सिंध जी आई जका सेंटर जी जका तमाम घणी एंटागोनिस्टिक जका सिचुएशन है उन में थोड़ी जकडे का भी बेहतरी अच्छी वही तो या खुद खान साहब के जका सा अगते हुकूमत में या अगते जका सा उन में सेंटर में हेल्प कंदी बाकी मुखे ते सच्ची गाल बुधाय ते का एड़ी वडी का सेटबैक नजर न तो अचे वडो टर्न आउट अचे या वडी का शय थिए अलबत्त ये थी सके तो अन्या भी वधिक मानु जका सा पीपल्स पार्टी चिकड़ में कामयाब बने जीकड़ा जेस्चर सुंदा इन जका दिना विंदा ता इन के इन पस मंजर में नथी दिसा बिल्कुल ता जे ख्याल में फेडरल लेवल जे पस मंजर में आ इंदर जका तैयारी कई पे वने तो फ्यूचर में का अरेंजमेंट थे तो फेडरल लेवल ते उन के के टैकल कजे हलों ता बे मौजू ते वजीर आजम साहब अज भी गाल कई आ बेटन जे अज वजीर आजम साहब सीएम साहब के मुखातिब थिंदे चयो आ ता एक भेरो बीर डिंगी भंडार बेटन जे मामले ते नजरसानी कयो 5 अरब डॉलर कमाईंदा सी रोजगार इंदो उनखा पेरियां जे गुजल डी एक बडी खबर ही बडी पेरियां लियारी नदी जे कैचमेंट एरिया में जो प्लान ठायो वे नए शहर अडण जो तमर जा बेला खत्म करे ए तकरीबन 1600 एकड़ जमीन ते शहर ठायो विंदो पर उते जका एकड़ी शे जका जको वडे वडो सवाल उथे तो ओ आए 20 खां 25 हजार आबादी लडाण जो
हाँ जो आबादी वी का पंजी हज़ार लदाई वी तो उनके सेटल किथे कर वो अल्टिमेटली लैंड सिंध की आ प्लानिंग कई वही है उनमें फेडरल गवर्नमेंट केतरो पांजो किरदार अदा कंदी सिंध की केतरी मदद कंदी सिंध गवर्नमेंट जो खुद रोल कड़ो होंद सवाल बहन बिन्हीं के मिक्स कर पुछा तो सब का पैर नसीर मेमणू साहब दे नसीर साहब सब का पैर एक भेरों बीहर वजीर अजम दो जोर डिंगे भंडार बेटन लाए बो लियारी कैचमेंट एरिया में जो नव शहर रडण प्लान है इनके अवे पे ऐसो प्लान मुझे ख्याल में तो जो आइलैंड्स वो मामलो रिजॉल न थी सको ही उन जो अल्टरनेट आ अगेन हन भेरे बे अली जैदी ओचतो की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो अनाउंस थी तो वने अज जका गाल करे तो खान साहब तो वफा के सिंध के कदलन गुर्जे तो स्पिरिट इनन मुख्यन ते नजर अचे एदा वदा ता डिसीजन के था प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन बोर्ड कोने सिंध जे मान के खबर काने की 25000 फैमिलीज दी रीसेटलमेंट को मजाक थोरी आ असा एक प्रोजेक्ट में आयो असा 200 फैमिलीज के रिलोकेट किया असा के खबर है लेवल ऑफ एफर्ट केतरी आ इट्स नॉट अ जोक ता 25000 फैमिलीज के शिफ्ट करो आई पो बी गाल या तो लैंड जा डिटेल्स जो के प्रोजेक्ट की डिटेल मुझे लगभग 1600 एकड़ आ उन में एक टर्म यूज सेला ता रिक्लेम्ड लैंड जो का एक्चुअली समुद्र में पाई वेंदी अदा उन जे एनवायरमेंटल इंपैक्ट से फिलहाल एकड़े पासे ता रखूं केपीटी जो यो सजो एरिया अड़ी तरह मना एक्वायर केला जेन में रखे तो समुद्र में एक्वायर केले लैंड भी प्रोविंस की मिल्कियत होंदी आ वफाक की कान होंगी बेशक वो छो तो टेरिटोरियल वाटर्स में जो लीगलिटी उनकी चेक कर वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली हालत यह है तो जो नाला खराब थे बारिश ही भर्ती हैलीगल मू हजार कराची नाल सजे मुल्क में जानो घुर्ज पैंजा घर भी न ट्रायो या उनके भी रीसेटल कर काफी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट डिबेट थे शेप दिनी वही मेरीलैंड डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है मेरीटाइम डेवलपमेंट उनके एतराज को ठीक है फिश हार्बर ठे तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ठे ये सुठी गाल पर उनदी वही उनमें रेजिडेंशियल एरिया जो डिटेल बुधा भी ना कमर्शियल होंगी रेजिडेंस कंखे दीनों हाँ केपीटी की लैंड से कमर्शियल एक्टिविटी थी सके थी सिंध गवर्नमेंट की मर्जी का सवाए तुम उत एरिया के डिसलॉज कर बी एरिया में रिलोकेट करो वो प्रोजेक्ट केर हल्द सभी शुभ वेग आज मुझे ये ख्याल है हेरा वा प्रोजेक्ट है उनके सीपेक मने कर रखो बेसिकली रुगो इन्वेस्टमेंट जो मामलो को सुी गाल चाइनीज इन्वेस्टमेंट अचे पर मुख्य लगे तो हि उनके सजे बहस मुबासन सवाल जवाब अप्रूवल्स की चेन क्रिटिकल मॉनिटरिंग स्क्रूटनी पब्लिक स्क्रूटनी पार्लियामेंट स्क्रूटनी में सभी का बाईपास कराने था जी यो रवैयो कुछ प्रोजेक्ट के क्वेश्चन से मुझे ख्याल है इनके मानो के इत्तेफाक में वठन पुरजे सब वठन पुरजे सी लो सामू आन पुरजन ये जो में प्रोजेक्ट कहे ता रखा था प्रॉब्लम सीना विषय यो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जी इनाम भट्टी साहब ता छा चवन ने मौजूद है इनाम भट्टी साहब एक भेर बीहर इनाम भट्टी साहब से राबो करने की कोशिश क्यों हलो एजाज उमर साहब एजाज साहब वजीर अजम साहब अज भी गाल कई बेटन से नजरसानी कर सीएम साहब एक पासो यो डिंगे भंडार बेटन से वजीर अजम साहब ओ ही पांजे ख्वाहिश से पूरो आ बे पासे ये जो लियारी कैचमेंट एरिया है लियारी नदी की उन नव शहर अडण की गाल कई हुई तहजी राय छा मां पांजी राय दिया उन खाक में मुजी तो ख्वाहिश हुई तो सिंध हुकूमत पांजी राय दे आ छ तो बिन टिनियन का ये गाल हली पे तो कराची में ही रिथा अचे पई उसूली तौर ते सूबे जी हुकूमत जी आ उसूली जिम्मेवारी भी आए तो वो इन सूरत हाल में पांजो को रद्दमल दे छकन तो जी नसीर साहब चयो तो तमाम बड़े अंग में मानन जी डिसलोकेशन जो इशू आए उन में उन जी सजी जका उन जो पस मंजर आ उन इलाके जो या उनकी जो हिंसर बीहक है वह सजी तब्दील थी ते कर सूबे के हुकूमत की जिम्मेवारी बणजे थी तो वहो तो उनते रद्दमल दे बी गाल डेटा सूबे की हुकूमत वट होंगी ओतरी इंफॉर्मेशन अस इंडिविजुअल्स वट न होंगी ते कर इनडेप्थ अंदाज में इन सजी शे जो जायजो वी बुधा सके थी तो इन कॉन्सिक्वेंसिस कड़ा बीहदा एक बाकी जितरे कदर इन हुकूमत इमरान खान के हुकूमत जो तालुक आ तो कदें कदें यो गुमान थी आ ये का बिल्डर की हुकूमत है मन इन जो उथण वेहण जड़ो इन ख्वाब बिल्डर वाला बिल्डर हूँ ना वो गुजरंदा गाड़ी में चढ़ी तो ये खाली जगह खाली प्लाट है खाली पट गोलिंदा उनमें ऐसा तो सजे खाबे रोड रोड है ना है ये मन इन एंगल से शन के मू इन का अहमियत ही ना रखन
माना तुम सोचो ना 20,000 मून रुगो 20,000 मून ना पर उ 20,000 मून उनकी रहनी कहनी उनको उन जमीन से ताल्लुक एफिलिएशन उतना जो इकोसिस्टम है ये सब एनवायरमेंट उनको वो सब इन कंक्रीट के पिलर के हेठा दबजी वो हाँ ये गाल इन परवाह ना बेटन के हवा से भी इनकी रविश हुई सागी रविश है बो यो लगे तो इन में इजाफो क्यों ही लगे तो नवाज शरीफ है उनकी जो मुसलसल गाल कंदा था रहन पीटीआई वा लाइटर नोट से पानी गाल क्यों जुमलो चंदस जी इमरान खान उनका साथी चवंदा रहन जरदारी वो पैसो आ नवाज शरीफ वो पैसो आ उतने वेहदे इनकी गाल यही होंगी है ना लगे ये तो उन्होंने अणसिधी रीति मुतासर है छो तो हि जे स्कीमू खी था अचन वो करोड़न में तो आन को इनके मशीन वाली स्कीम है 120 अरब डॉलर रुपये की इन्हें वट ये भंडार बेट है 50 अरब डॉलर हि माना लख कखपति में लखपति थियण के चक्कर में छा मुझी एजेंडा है पर असी समझू था तो सिंध जो शूं सिंध की जमीन सिंध जा ही बेट ही सिंध जा इन सिंध जे मानन जा इन या गाल पीपल्स पार्टी के जेन नशीन हो जे जी सर पीपल्स पार्टी हुकूमत में भले हो जे ये उनन जा ना इन जी सर जेकने वो सिंध जे मानन जो दिफा कंदी त सिंध जा मानन उनन सा गड बेंदा जे इनन जे अपोजिट विंदी त पेरी वांग जी रद्द मल लियो ए भरपूर रद्द मल जी सर अमर साहब तवा छ चवंदो इन ते ॾिसो हिकिड़ी ॻाल्हि त इहा आहे त जेॾीमहिल कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी इन खां पहिरीं बि जेॾीमहिल ठाही वई हुई तंहिं टाइम ते बि एतिराज़ु हुयो त इहा डेवलपमेंट अथॉरिटी सेंटर जी कीअं हुजणु खपे इन इहा जॾहिं कोस्टल एरिया जेको आहे सो जिन सूबनि जा ख़ासि तौर ते बलोचिस्तान ऐं सिंध जे हवाले सां उहो उन्हनि जी शमूलियत किथे आहे ॿिए नंबर ते ॻाल्हि अचे थी त जेकॾहिं नंढिड़े खां नंढिड़े जी नसीब साहिबु चयो त को बि मनसूबो ठहंदो आहे उनजी फिज़िबिलिटी रिपोर्ट ठहंदी आहे उनजी शयूं ठहंदियूं आहिनि उहे शेयर कयूं वेंदियूं आहिनि उनखां पोइ पब्लिक कयूं वेंदियूं आहिनि उनखां पोइ उन ते डिबेट थींदी आहे उनखां पोइ उनमें उनजी घणियूं असेसमेंट थींदियूं आहिनि ख़ासि तौर ते अॼोके दौर जे अंदरि इन्वायरमेंट खां वेंदे जेका असां लैंड ज़मीन ही हू फैमिलीज़ इफेक्टिड फैमिलीज़ किथे उन्हनि खे जेका असां रहाइजे ही हिकिड़ी कंप्रीहेंसिव जेका असां असेसमेंट रिपोर्ट हूंदी आहे फिज़िबिलिटी रिपोर्ट हूंदी आहे उनखां पोइ ही जेके आहिनि से मनसूबा जेके आहिनि से उन्हनि जो ऐलान थी सघंदो आहे जीअं रावी वारो जेको मनसूबो आहे उनमें तव्हां ॾिसो त केतिरा दफ़ा उहो रिपीट थियो आहे केतिरा दफ़ा उन में तब्दीलियूं आयूं आहिनि केतिरा दफ़ा रिजेक्ट थियो आहे उनजे बावजूद बि जेका असां ही खान साहब जी हुकूमत उते बि माना जेका असां इहा साॻी ज़ोर ज़बरदस्ती वारी ॻाल्हि लॻाए वेठी आहे हाणे सिंध जे हवाले सां जेका सिंध जे हवाले सां जॾहिं ख़ासि तौर ते ॻाल्हि अचे थी मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त उनमें सिंध हुकूमत खे त पार्टी ई कान्हे सिंध हुकूमत खां पुछियो ई कोन थो वञे हीउ हिकिड़ो मिनिस्टर पंहिंजो विहारनि था ऐं मिनिस्टर जेतिरो सिंध जूं केतिरियूं ज़मीनूं कीअं खणंदा मां अॼु जेका असां इहा जेका जीअं आई आहे फिशर फोक जे पारां बि हिकिड़ी जेका असां जेके ऑब्जेक्शन्स ऐं ऑब्जर्वेशन्स अचणु शुरू थियूं आहिनि हा उन्हनि में इहो रुगो लयारी जे हवाले सां त ॻाल्हि कई पई वञे त हीउ जेको मामिलो थींदो इहो जेको आहे सो वेंदो हीउ सॼो जेको कोस्टल एरिया आहे जिते बि हाणे जिते अहिड़ा सेंसिटिव इलाइक़ा आहिनि जिते माण्हू वञी बि नथो सघे सिंध हुकूमत जी मजबूरी खां सवाइ कीअं वञी सघंदो सो इहो वरी बि जेको आहे वरी बि जेको सो अणपूरो आहे सिंध हुकूमत जी शमूलियत ऐं उनजे मुकमल आउट पुट खां सवाइ जीअं इज़हार साहब चयो उनजी बि बिल्कुलु अचणु खपे मौक़िफ़ ते कहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते कहिड़ो एतिराज़ु आहे ऐं जी तव्हांजी ॻाल्हि आहे मुकमल शमूलियत खां सवाइ इहो मुमकिन न आहे त इहो प्रोजेक्ट कीअं हली सघे इनाम भट्टी साहबु तव्हां मूंखे ॿुधी रहिया प्रोडक्शन टीम शायदि इनाम भट्टी साहबु राब्ते करण जी कोशिशि कई पर उहो मयसरु न आहे प्रोग्राम टाइम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुची रहियो आहे अमर साहिब इज़ाज़ सुमर साहब नसीर साहब ऐं इनाम भट्टी साहब तव्हां सभिनी जी महिरबानी पंहिंजे क़ीमती राय खां असांखे आगाह कयो नाज़रीन ते वठंदो नाज़रीन ते प्रोग्राम टाइम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे पंहिंजे मेज़बान जुनैद अंसारी ईंदा इजाज़त सदाई कनि।